आज की इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर समझेंगे। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे का जो ये केमिस्ट्री में लगभग ये 5 नंबर का और 2 नंबर के एग्जाम में करता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और इनमें अंतर स्पष्ट करे। ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है, इसलिए आज के सेशन में आज की इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में लोग अंतर समझेंगे। और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF भी आप जाकर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो एक एक बातों को समझाऊंगा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, इनमें अंतर क्या है, इन चीजों को समझते हैं। देखो सबसे पहली बात समझ, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो याद रखिएगा, बोल सकते हो वैसा ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, और वैसा ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी किया, कि कांच कौन सा ठोस है, कांच का मतलब शीशा, तो शीशा जो होता है इसको जब पटक देंगे तो टूटने के बाद इसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है, इसी कारण से जो कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन, वह ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति होता है वह क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन जिसका ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होता है वो कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कांच कौन सा ठोस हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया, तो कांच का मतलब शीशा, जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव में कांच आंख मुद के मारेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका पहला अंतर देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में पहला अंतर कि इसकी निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय की कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती है। निश्चित ज्यामिति आकृति का मतलब क्या होगा, इसका कोई ना कोई एक आकार होगा, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस का, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप बर्फ लेकर चलिए, तो बर्फ लेकर चलिए या कोई और भी क्रिस्टलीय आप ठोस लेकर चल सकते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl आप लेकर चल सकते हैं। तो NaCl जैसे नमक है, अब नमक का कोई बर्फ बन गया, मान लीजिए ऐसा इस टाइप का आपका कोई क्रिस्टलीय ठोस है, समझिए इस टाइप का कोई क्रिस्टलीय ठोस है। अब इस टाइप का कोई क्रिस्टलीय ठोस है बाबू, जब इसको काटेंगे तो क्या करेगा, एक निश्चित रूप धारण कर लेगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है उसको काटेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगा, इस कारण से इसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित आकृति होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। तो वही इनमें पहला अंतर हो जाएगा कि निश्चित ज्यामिति आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस की, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है। दूसरा अंतर चलते हैं, देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है टूटने पर एक निश्चित आकार धारण करता है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया अगर इसको काटेंगे चाहे टूटेगा तो एक निश्चित आकार के रूप में टूटेगा, समान आकार के रूप में टूटेगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो टुकड़ा होता है, जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, टूटेगा तो दोनों ही टूटेगा, क्रिस्टलीय ठोस भी टूट सकता है अक्रिस्टलीय ठोस भी टूट सकता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का समान आकार होता है जितना भी टुकड़ा होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि ये समान ज्यामिति आकार वाले आकृति वाले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, लेकिन इसमें लिख सकते हैं टूटे हुए टुकड़ों का कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है। सीधी सी बात यह है कि जब क्रिस्टलीय ठोस टूटता है तो उसका ज्यामिति आकार होता है, लेकिन जब ये टूटता है तो इसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है। तीसरा का अर्थ देखो, क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव्यमान होता है ना वो निश्चित होता है, या सुपष्ट भी कह सकते हैं या स्पष्ट भी कह सकते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान एक फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, रबड़ ले सकते हैं, टायर ले सकते हैं, इसका द्रव्यमान क्या एक ही टेम्परेचर पर वो सब जलने वाला है, एक ही टेम्परेचर पर वो सब काम करने वाला नहीं हुआ, ठीक है ना। तो रबर या टायर भी क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना, उसको देखिए। तो ये समझ में आ गया आपको, एक है देखो ये जो होता है ना क्रिस्टलीय ठोस, इनका द्रव्यमान निश्चित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। अब चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर है इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका भौतिक गुण जो है ना अलग अलग दिशा में क्या हो जाएगा, अलग अलग दर्शाने का काम करता है। अब आप यही सोच में पड़े होंगे सर कि बताइए भौतिक गुण इनका अलग अलग कैसे हो सकता है। अब इस चीज को समझिए, देखो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस का काम क्या करेगा, देखो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना जब इसको अलग अलग दिशा में लगाएंगे तो दिशा भी क्या दर्शाएगा, अलग अलग दर्शाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि इनका जो भौतिक गुण होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो भौतिक गुण होता है वो अलग अलग दिशाओं में कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस इस दिशा में कोई और चीज दिखा रहा है तो उस दिशा में कोई और चीज दिखाएगा, इस दिशा में अगर कुछ और गुण दिखा रहा है तो उसमें कुछ और दिखाएगा, यानी अलग अलग दिशा में ये अलग अलग भौतिक गुण दर्शाने का काम करता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या करेगा, अक्रिस्टलीय ठोस समान मतलब
जितना भी दिशा आप देखेंगे ना तो सभी में समान दिशाएं दिखाने का काम करता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस इनके जो भौतिक गुण होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, एक समान ही होता है। किनका? तो किनका बाबू, आप देख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो बाबू। आप देखो अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका भौतिक गुण अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में इनका भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में भी एक समान होता है। अब देखिए इनका भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, इसी कारण से इसको असमदैशी कहते हैं। असमदैशी का मतलब क्या हो गया कि समदैशी सभी दिशाओं में अलग अलग होता है, लेकिन ये होता है समदैशी क्यों, क्योंकि ये सभी दिशाओं में एक समान होता है। यानी सीधी सी बात इसका अंतर हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का जो भौतिक गुण होता है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा, लेकिन इनका भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में एक ही समान होता है। इसी कारण से क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, असमदैशिक बोलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आपको अंतर समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाकर पीडीएफ को आप आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी विषय का आप पीडीएफ आसानी से यहां से ले सकते हैं। इस वीडियो को बहुत बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर है तो बच्चों को याद नहीं करना पड़े, बल्कि यहां से समझ कर जाए और वहां पर लिखकर चले आए। जय हिंद।